नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विलेज कढ़ाई चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आज मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ वो पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज लोग बनाते थे, तो उसको मैं बनाने वाली हूँ। और उसमें बहुत सारे जो चीज़ें मिलती हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो आज हम जिस चीज़ का पकौड़ा और साग बनाने वाले हैं वो हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी कार्य करता है। हमारे शरीर में जो खून होता है उसको वो प्योर बनाता है, यानी सभी रोगों से लड़ने की क्षमता वो पैदा करता है। साग बनाने वाले हैं वो कैंसर जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। और ये साग आपको इस मौसम में बहुत ही आसानी से खेतों में मिल जाएगा। तो ये देखिए हम आ गए अपने खेतों में। यहाँ मैंने सब्जी लगाई हुई है, इसी में ये देखिए उगा हुआ है। तो ये देखिए साग आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ पे इसको लेदरी बोला जाता है, जो कुल्फा का भाई बहन होते हैं। आप देखेंगे नोनिया जो होता है उसी की तरह ये लेदरी भी होता है। इसको जो है आयुर्वेदिक नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं पुनर्नवा। तो यहाँ से हम देख करके पुनर्नवा जितना भी साग जगह जगह पे उगा हुआ है वहाँ से हम ले लेंगे। तो दोस्तों लेदरी की दो वैरायटी होती है, एक थोड़ा सा गाढ़ा कलर होता है पत्ते का और एक हल्का कलर होता है। तो ये देखिए जगह जगह ये उगा हुआ है, तो वहाँ से हम ले लेंगे। तो इस मौसम में आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये देखिए आपको पास से हम दिखा देते हैं खोट करके। तो जो नरम नरम डंठल होता है ऊपर का, वही वाला भाग हम यहाँ से लेंगे। तो जो हमारे पूर्वज लोग होते थे इसको बहुत ही प्यार से बनाते थे। जब सारा खाना बन जाया करता था तो साग जो है तवे पे रख देते थे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से इनके पत्तों को हम देख करके ले लेंगे। तो और एक चीज आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये गडेरिन है, इसका भी साग हमने बना करके डाला हुआ है वीडियो, तो इसको भी हम ले लेंगे। तो आज जिस चीज़ का साग हम बनाने वाले हैं सारे आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, तो इसको भी हम खोट करके ले लेंगे। तो गडेरिन का साग भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी इसका साग बनता है। तो यहाँ पे हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से साग को ले लिया है। अब चलते हैं घर की तरफ और बनाएंगे रेसिपी। तो ये देखिए लेदरी को लेकर के हम घर आ गए हैं। इसमें बहुत ही छोटे छोटे फूल लगे हैं, तो आपको जो जिसमें बीज पड़े रहे वो नहीं लेना है, अच्छी फुनकी देख करके ही लेना है। और इसको हमारे यहाँ पे लेदरी बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हमने ककड़ी की फुनगी ले रखी है, चौराई ले रखा है और यहाँ पे गड़ेरनी ले रखी है। तो सारे मिक्स साग का आज मैं बनाने वाली हूँ पकौड़े और सब्जी। तो ये देखिए साग को हम सबसे पहले धो लेंगे। तो इसमें देखिए मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो हम इसको 4-5 पानी से बहुत ही अच्छे से धो करके साफ करेंगे। तो इसी तरह से हम 4-5 पानी से इसको धो करके अच्छे से साफ कर लेंगे। तो ये देखिए साग को मैंने 4-5 पानी से बहुत ही अच्छे से धो करके साफ कर लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा साग मैं हाथों में इकट्ठा करूंगी और यहाँ पे हमने ले रखा है पहसुल, उसी से मैं इसको काटूंगी। तो आपको जिससे इससे काटते बने उससे काट लीजिएगा। अगर आपके यहाँ पे ये साग मिलता है तो आप इसको ज़रूर बना करके खाइएगा। तो साग को यहाँ पे मैं बहुत ही बारीक बारीक काट रही हूँ और इसी तरह से हम सारे साग को काट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ थाली में मैंने प्याज काटे हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने 3-4 प्याज जो मीडियम साइज के हैं उसको काट लिया है, बिल्कुल पतला पतला लंबा लंबा। तो इसी में हम साग को डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि और का साग मैं बनाने वाली हूँ, तो इसके मैं बनाने वाली हूँ पकौड़े। अब हम इसमें डाल देते हैं मिर्च, थोड़ा सा ये मीठा टाइप का आता है साग, तो इसमें हम मिर्च को थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। और यहाँ पे डाल देते हैं लहसुन और यहाँ पे डालेंगे जीरा, अजवाइन और हींग। और यहाँ पे डाल देते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च है, इसको डाल देते हैं इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे बेसन, तो 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे बेसन डाल रही हूँ और इसको हम बहुत ही अच्छे से अब मिलाएंगे। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। यदि हमें बेसन कम लगेगा तो थोड़ा सा हम इसमें और बेसन मिला लेंगे। तो इसी तरह से इसको मिक्स करके बहुत ही अच्छे से पकौड़े की तरह बनाने के लिए इसको हम तैयार कर देंगे।
तो यहाँ चूल्हे पर हमने कढ़ाई रखी है, इसमें डालेंगे तेल और इसे गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पकौड़े के लिए इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और बहुत ही अच्छे से नमक को हम इसमें मिला लेंगे। तो दोस्तों इसकी पकौड़ी बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है। तो ये देखिए दोस्तों तेल हमारा बहुत ही अच्छे से अब गर्म हो गया है। आंच को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है। तो इसमें अब डालते हैं पकौड़े। तो ये देखिए छोटे छोटे हम इसमें डाल देंगे। तो इसी तरह से जितना इस तेल में पकौड़ियाँ आएंगी उतना हम इसमें तोड़ करके पकौड़ियों को डाल देंगे। तो जैसे ही एक साइड हो जाए इसको हम पलट देंगे। तो इसकी पकौड़ियाँ बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होती हैं, एकदम बढ़िया कुरकुरी सी, और खाने में तो इतनी टेस्टी हैं कि आप पालक के पकौड़े खाने भूल जाएंगे। तो यहाँ पकौड़ियों को हमें उलट पलट कर अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए पकौड़ियाँ कितनी अच्छे से एकदम बन करके तैयार हुई हैं, एकदम कुरकुरी सी। तो इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये देखिए इसी तरह से हम और भी पकौड़ियाँ तल करके तैयार करेंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं और भी तोड़ करके सारी पकौड़ियों को। तो दोस्तों ये साग इसी मौसम में मिलता है, हर मौसम में ये नहीं मिलता है। जब ये बारिश का समय आता है तभी ये ज़्यादा मात्रा में उगता है खेतों में। तो आपके यहाँ पे मिले तो एक बार इसकी पकौड़ियाँ खाकर देखिएगा, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, बहुत ही टेस्टी है। तो जैसे ही ये एक तरफ हो जाए तो इसको हमें पलट देना है। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे वीडियो हमारा बेटा बना रहा है और ये पकौड़ियाँ टेस्ट करके खा करके एकदम इसको वाह वाह कर रहा है, कह रहा है मम्मी बहुत अच्छा बना है। तो ये वाली भी पकौड़ियाँ हमारी तल करके एकदम बढ़िया से तैयार हो चुकी हैं। तो इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। पकौड़ियाँ हमने बना ली हैं। तो ये देखिए जो तेल था कढ़ाई में उसको हमने निकाल लिया है, क्योंकि साग में बनाने वाली हूँ सरसों के तेल में। तो कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल और उसे गर्म कर लेंगे। तो तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले डालेंगे इसमें लहसुन। तो लहसुन को मैंने हल्का सा दरदरा सा कूचा हुआ था। तो सबसे पहले हम लहसुन को बहुत अच्छे से भून लेंगे एकदम ब्राउन होने तक। तो जैसे ही आपका लहसुन भून करके तैयार हो जाए इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज ज़रूर डालिएगा इस साग में, बहुत ही टेस्टी लगता है बनने के बाद। तो यहाँ पे हम प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज को हमने भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे मिर्च। तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि ये साग थोड़ा सा मीठा आता है, तो थोड़ा सा मिर्च आप ज़्यादा डालिएगा। तो यहाँ मिर्च को भी हम भून लेंगे। जैसे ही हमारी सारी चीज़ें भून जाए इसमें हम डाल देंगे साग को, और बहुत ही अच्छे से साग को डालने के बाद इसको चला देंगे। तो साग जितना अच्छा तवे पे खाने में आता है एकदम टेस्टी लगता है, तो इसीलिए मैं इसको लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, ताकि इसका स्वाद एकदम तवे पे जैसे बनाते हैं एकदम कुरकुरा सा, वैसा ही हम इसको बना करके तैयार करेंगे। ये देखिए साग एकदम पक कर के थोड़ा सा कम हो गया है। तो अब हम यहाँ पे नमक डालेंगे, क्योंकि जब ये कम हो जाए तो नमक डालने में आसानी होता है, क्योंकि कितना नमक होगा इसमें तेज़ हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो यहाँ पे नमक डाल करके हम इसको बहुत ही अच्छे से मिला देंगे और इसे ढक करके धीमी धीमी आँच पर पकाएंगे। तो यहाँ पर साग को मैंने थोड़ी देर के लिए ढक करके पकाया है। तो ये देखिए अभी ये थोड़ा सा हम इसको चला करके इसको कढ़ाई में ही थोड़ा सा हम फैला देंगे और बहुत अच्छे से इसको हम पकाएंगे अभी धीमी धीमी आंच पर। तो यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, देखिए साग एकदम बन करके बहुत ही अच्छे से एकदम तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी ये साग लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा साग बन करके तैयार हो चुका है, तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा साग जो है बन करके तैयार हो चुका है और इसके पकौड़े भी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हो चुके हैं। तो आपको यदि ये साग मिले पुनर्नवा यानी लेदरी, तो हम आप इसका साग एक बार ज़रूर बना करके खाइएगा और इसके पकौड़े भी बना करके ज़रूर खाइएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।